नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी आरआरवी एनटीपीसी में जो पोस्ट है उसमें हम बारी बारी से अभी इस वीडियो में जो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, क्योंकि सबसे अधिक कमेंट इसी के रिगार्डिंग आया था कि इस पोस्ट के बारे में सब कुछ बताइए, तो इस वीडियो में हम सब कुछ बताने वाले हैं। मतलब इस पोस्ट में क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, कितना सैलरी होगा, क्या प्रमोशन होगा, ड्यूटी कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ पर होगा तो ज़्यादा सही होगा, मतलब ओवरऑल जो एक्स्ट्रा इनकम, मतलब जो आपके दिमाग में तमाम क्वेश्चन आ रहे होंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, सब कुछ इसमें हम साझा करने वाले हैं ताकि इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको कोई भी दिमाग में क्वेश्चन ना रहे, तो पूरा बात करेंगे। पर इससे पहले बता दें कि अगर आप एनटीपीसी का तैयारी सही ढंग से करना चाहते हैं तो किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की तरफ से बुक पब्लिश किया गया है, जिसमें एनटीपीसी के जो भी क्वेश्चन हुए थे उसको सेट फॉर्मेट में दिया गया है, तो आप जैसे एग्जाम में फील करते हैं वैसा ही कर पाएंगे और क्वेश्चन बनाने के बाद आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा, ताकि आपको कहीं भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू करके दो पब्लिश किया गया है, एक में 1 से लेकर 60 तक और फिर 61 से लेकर 129 तक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। ऑनलाइन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ज़रूर विजिट कीजिएगा, डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करने वाला है। तो अब बात करते हैं इस पोस्ट का सबसे बेसिक, जो आप लोगों को भी पता है कि इसमें 1700 प्लस इसके लिए सीट है, तो ठीक ठाक सीट कह सकते हैं, जितना टोटल वैकेंसी था उसके अकॉर्डिंग ये पोस्ट ठीक ठाक ही है। लेवल 6 का पोस्ट है, लेवल 6 का पोस्ट यानी 4200 ग्रेड पे का हो गया। तो सबसे पहला सैलरी को ही निपटा देते हैं। सैलरी अगर आपका ज्वाइन होगा तो 65,000 के आसपास आपका ज्वाइनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद की बात कर रहा हूँ, जब आपका मतलब वो HRS से मिल जाता है तो 65 टू, अगर लेट कर देगा तो 2026 में वो 1 माह पे कमीशन आने वाला है, तो 70,000 या उससे अधिक ही जाएगा। तो ये मैं मिनिमम सैलरी की बात कर रहा हूँ, इतना सैलरी आपका जाएगा, ये हो गया। ऑफिस की बात करें तो क्या आपको एक पर्सनल चैम्बर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो देखिए अगर आपका स्टेशन पे ड्यूटी मिलता है, ठीक है, तो आपको एक स्पेशल चैम्बर मिल जाएगा। DRM ऑफिस में भी आपका ड्यूटी हो सकता है, अगर आपका ऑफिस DRM में होता है तो चैम्बर तो नहीं मिलेगा। हाँ, आपके ऑफिस में 5-6 लोग जो होंगे एक साथ काम कर रहे होंगे, 10 लोग आई थिंक काम कर रहे होंगे, लेकिन DRM ऑफिस एडवांटेज क्या होगा कि आपको सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगा। लेकिन अगर आपका स्टेशन पार्सल रूम इस समय ड्यूटी होता है तो आपको एक दिन छुट्टी मिलेगा, ठीक है, संडे को मेनली छुट्टी मिलेगा। दूसरा, क्या ट्रेन में भी ड्यूटी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ट्रेन में भी इनका ड्यूटी होता है तो उसमें आपका TA बढ़ेगा। तो हर जगह पोस्टिंग का अलग अलग चीज़ है। नाइट ड्यूटी डे ड्यूटी की बात करें तो अगर आपका DRM ऑफिस में हुआ तो आप नाइट ड्यूटी से निश्चिंत हो जाते हो, नाइट ड्यूटी आपको नहीं लगेगा। वहीं अगर आपका और कहीं भी हो, जैसे स्टेशन पे होगा या फिर ट्रेन में होगा, पार्सल वाले में होगा, तो आपको डे नाइट ड्यूटी आपको करना पड़ जाएगा। डे नाइट के लिए अपना पैसा मिलता है, वो आपको एक्स्ट्रा अपना सैलरी में मिल जाएगा। तो ड्यूटी टाइम की बात करें तो 8 आवर का ड्यूटी होगा आपका, ये समझ लिए। लंच का टाइम अगर स्टेशन या ऐसा कोई हुआ तो लंच का टाइम कम मिलेगा, DRM ऑफिस में होगा तो ठीक ठाक लंच का भी टाइम मिलता है, मतलब ठीक ठाक है, ठीक है। पावर की बात करें तो पावर जब तक आप गजेटेड रैंक पे नहीं जाते हो रेलवे में, हालांकि कहीं भी पावर ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर लो, पर आपके अंदर यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों का मतलब ये हुआ कि अगर आपका DRM ऑफिस में हो गया तो जो भी क्लर्क जूनियर सीनियर जो भी हैं सब आपके अंदर काम कर रहे होंगे, अंदर तो नहीं मतलब आपके साथ काम कर रहे होते हैं। अगर स्टेशन पे होंगे तो जो लेवल 3 वाले क्लर्क हैं कमर्शियल क्लर्क, वो लेवल 5 वाले जो कमर्शियल क्लर्क हैं वो, तो वो सब होंगे, वो आपके नीचे रहेंगे, वो आपको रिपोर्ट करेंगे। तो स्टेशन पे अगर आपका ड्यूटी होता है तो आपको एक मतलब पावर जैसा फील होगा, ऐसा होता है स्टेशन पे अगर होगा तो। एक्स्ट्रा पर्क्स की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा पर्क्स में जैसा कि जानते हैं लेवल 6 का पोस्ट है तो आपको जो क्वार्टर मिलेगा वो टाइप 3 का क्वार्टर मिलेगा, यानी 3 बेडरूम होगा उसमें, 3 बेडरूम होगा। ट्रेन का जो पास सब होता है वो आप राजधानी तक में भी आपका पास मिल जाएगा, और ड्यूटी के 5 साल के बाद आपको साल में 3 सेट यानी 6 AC का पास मिलेगा और 8 जो है वो स्लीपर का पास मिलेगा, तो पास का भरमार हो जाता है 5 साल के बाद। स्टार्टिंग में जो है वो 1 ही सेट मिलेगा, यानी 2 बार आप जा सकते हो AC से फ्री में, और 4 to 8 times जा सकते हो आप स्लीपर में 25% किराया दे करके। तो ये हो गया एक्स्ट्रा पर्क की हम बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल ये सब तो फ्री ही है। फैमिली का मतलब फैमिली में मदर फादर को रेलवे काउंट नहीं करता है, आप पे जो डिपेंडेंट है उसको काउंट करता है, तो वो कभी एक्स्ट्रा चीज़ है। प्रमोशन की बात करें तो देखिए इनमें प्रमोशन जो है बहुत ऊपर तक तो नहीं जा सकते, एग्जाम क्वालिफाई करके जा सकते हैं। इसमें देखिए आपका जो है ना, इसे लेवल 6 पे होगा 4200 ग्रेड पे, इसके बाद आप जाओगे तो 4600 ग्रेड पे, फिर उसका 5400 ग्रेड पे, उसके ऊपर नहीं जा पाओगे। 5400 ग्रेड पे तक जाने जाने बुढ़ा हो जाता, मुश्किल होता है, मतलब कहीं भी जैसे जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी हैं जो मान लो चीफ OS से ऊपर नहीं जा सकते हैं, चीफ OS भी मुश्किल होता है जाना, जिनका कम एज में ज्वाइन हो जाता वो चीफ OS तक जा पाते हैं, तो ये थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस होता है क्योंकि
बहुत लंबा ये चलता है। हाँ, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप गजेटेड रैंक पे जा सकते हो, ये आपको 5 साल के बाद ये सब मौका मिल जाता है। तो ये ओवरऑल ये था। अब गुड और बैड, इसमें मैं क्या कहने वाला था कि इसमें आपको जैसे इसके इक्विवेलेंट अगर आप स्टेशन मास्टर का पोस्ट देखो तो उसमें काफ़ी अधिक टेंशन है। स्टेशन मास्टर में काफ़ी अधिक टेंशन है, और स्टेशन मास्टर का क्या होता है, आपको दूर स्टेशन पे भी, जैसे मान लो कोई छोटा स्टेशन है वहाँ पे भी स्टेशन मास्टर का रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है कि स्टेशन मास्टर होगा, तो वहाँ पे भी उनको दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो ये पोस्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का, ये बड़े स्टेशन पे ही होगा। तो आपका ड्यूटी कभी भी होगा तो एक अच्छे जगह पे भी होगा, बहुत ख़राब जगह पे, मतलब ऐसा एरिया पे कभी नहीं होगा जहाँ पे मार्केट नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं होगा, ऐसा एरिया नहीं होगा। मतलब ऐसा होगा जहाँ पे सब कुछ का फैसिलिटी, चाहे कम हो या अधिक हो, पर फैसिलिटी सब कुछ का होगा। एक एडवांटेज तो ये है, क्योंकि मैं इसके इक्विवेलेंट वही लेवल 6 का जो स्टेशन मास्टर, उससे मैं कंपेरिजन अगर करूँ तो। दूसरी बात यह है कि अगर जैसे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर का भी पोस्ट है, आपका भी पोस्ट है, अगर आपका पोस्ट और उसका पोस्ट हुआ तब आपको बहुत अधिक फैसिलिटी इस टाइप का नहीं मिलेगा। लेकिन आपका चांस है अगर DRM में चले जाते हो आप, तो आपके पास ये फैसिलिटी हो जाता है कि आपको सटरडे संडे छुट्टी होता है, लेकिन स्टेशन मास्टर का नहीं होगा। स्टेशन मास्टर प्रमोशन अगर होता है तो, अगर स्टेशन मास्टर ही सेक्शन में रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो वो कंट्रोलर में चले जाते हैं, तो उनका लाइफ और थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, मतलब टेंशन जो होता है वो काफ़ी अधिक हो जाता है। आपका ऐसा नहीं है, प्रमोशन होगा तब भी आपका जॉब रिलैक्स वाला ही रहेगा, तो ये थोड़ा ठीक है। और एक जो दिखाने का बात होता है, तो जाहिर सी बात है जैसे लोग पुलिस से डरते हैं, तो वैसा ही TT है, तो आप TT के मतलब सुप्रीमो हो गए स्टेशन पे, तो जाहिर सी बात है आपको इस चीज़ का थोड़ा एक एडवांटेज, ये कहना गलत हो जाएगा, पर थोड़ा एक ये फील तो होता ही है कि यार हमको यहाँ पे कौन कुछ करने वाला है, ठीक ना, तो ये चीज़ थोड़ा एक फील होता है। तो काफ़ी बढ़िया पोस्ट है इसमें, लेकिन वही अगर आपका पार्सल डिपो में दे दिया या फिर ट्रेन में दे दिया, तो फिर वही है कि पार्सल में तो थोड़ा दिक्कत है, ट्रेन में दिया तो फिर पैसा आता है, कहीं उनको पैसा से अगर बहुत इंटरेस्ट है तो कुछ दिन उसमें ही मज़ा आता है, जैसे मजिस्ट्रेट चेकिंग होगा या कहीं चेकिंग वेकिंग में आपको ले जा सकता है, तो ये सब चीज़ थोड़ा बढ़िया है। स्टेशन पे भी कभी ये लगता है कि मजिस्ट्रेट चेकिंग आने वाला है तो आपको उसमें चीप बनाया जाएगा, आप उनके साथ घूमोगे, तो थोड़ा ये सब चीज़ है, मज़ा आता है उसमें। और खैर यही है, हाँ मेडिकल के बारे में बात करने वाला था। इसमें अगर मेडिकल की बात करें तो ये B2 मेडिकल का बात है, B2 मेडिकल में क्या होता है कि बहुत लोग पूछ रहे थे कलर विज़न का समस्या है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कलर विज़न हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें आँख का जो पावर है वो अगर आप 4 डायोप्टर तक का चश्मा पहनते हो और अगर आप देख पा रहे हो, क्योंकि तो बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा होता है कि 4 डायोप्टर का चश्मा पहनने के बाद भी उनका आँख 6x9 नहीं हो पाता है, तो वो यहाँ से बाहर हो जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर ऐसा सीन है, ठीक है ना। मुझे अभी तक एक कैंडिडेट ऐसा मिला हुआ था पिछली बार के वैकेंसी में। तो अगर आपका 4 डायोप्टर तक का चश्मा पहन के 6x9 तक देखते हैं तो आप ठीक ठाक है, क्वालिफाई कीजिए। फिर ये सब का एक कुछ कुछ टेक्निक्स होता है, मतलब देखो ना तोड़ होता है वो हम बताएंगे बाद में, अभी बस ये देखिए। और एक जैसे किसी का ऑपरेशन या कुछ ऐसा हुआ है, तो थोड़ा बहुत अगर ऑपरेशन हुआ है जैसे हाइड्रोसिल का कुछ लोगों का दिक्कत होता है, तो उस समय 1 महीने मतलब जो बीमारी ठीक हो सकता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता, उसमें आपको टाइम मिलेगा 1 मंथ 2 मंथ का कि आप ठीक करवा के आओ तो आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो इसलिए बहुत अधिक मेडिकल स्टैंडर्ड हाई नहीं होता B2। हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड हाई होता है A2 का, A1 का, ठीक ना, ये मेडिकल स्टैंडर्ड हाई हुआ, इसके नीचे का मेडिकल उतना कुछ खास होता नहीं है। खैर इस वीडियो में इतना ही, कुछ और जानकारी चाहिए हो किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।